चलिए बच्चों, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन पे। मसल फाइबर की आपने स्ट्रक्चर देखी बच्चों, ये है मसल फाइबर। जैसे कि मैंने सामने फिगर लेकर आ रखा है, ये पूरा मसल फाइबर। यहां पर मैंने दिखा रखा है बच्चों मायोफाइब्रिल। आप जानते हैं मसल फाइबर मिलकर बना होता है बहुत सारे मायोफाइब्रिल से। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या छुपा हुआ है वो मैंने यहां पर अपने सामने ला रखा है, जहां पर आपके पास जेड लाइन है, आपके पास आई बैंड है, आपके पास एक ए बैंड है। अब आप ये भी जानते हैं कि आपके जो ये एक्टिन फिलामेंट है, जो कि जेड लाइन्स जुड़े हुए होंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है, तो एफ एक्टिन कंपोनेंट है, ट्रोपोमायोसिन है एंड ट्रोपोनिन है बच्चों। इसी तरह अगर बात करें बच्चों, ये आपकी एम लाइन और एम लाइन जुड़े हुए फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों मायोसिन फिलामेंट। और मायोसिन फिलामेंट जो है बना होता है बहुत सारी छोटी यूनिट से, जिसे बोलते हैं मीरोमायोसिन। एक्टिन फिलामेंट बच्चों ट्रोपोनिन खास थी, ट्रोपोनिन के अंदर हमने बात की थी ट्रोपोनिन टी यूनिट है, ट्रोपोनिन सी यूनिट है, ट्रोपोनिन आई यूनिट है बच्चों। और हमने बात की थी कि रेस्टिंग कंडीशन में मायोसिन का हेड जहां एक्टिन के साथ आकर जुड़ता उसको मास्क कर रखा है ट्रोपोनिन की सब यूनिट ने, दैट इज ट्रोपोनिन आई यूनिट बच्चों। अब इस मास्किंग को रिमूव करने के लिए बच्चों ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम जुड़वाना जरूरी है, यानी कि अगर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम को क्या करवाना है, अटैच करवाना है। अब कैल्शियम कहां से लेकर आए, तो आप ये जानते हैं बच्चों कैल्शियम का सोर्स क्या होता है मसल फाइबर के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां से निकलता है, तो रास्ता था बच्चों एलटीब्यूल्स। एलटीब्यूल्स जो है वो कैल्शियम रिलीजिंग चैनल है बच्चों। अब ये रिलीज करे कैल्शियम को, इसके लिए हमें चाहिए बच्चों एक्शन पोटेंशियल बच्चों। तो अगर किसी मसल के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाना है, तो हम बात कर रहे हैं वॉलंटरी मसल, तो वॉलंटरी मसल है तो हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है बच्चों, एक सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवाएगा बच्चों। अब देखे बच्चों सोमेटिक मोटर न्यूरॉन की एंडिंग दिखा रखी है मैंने मसल फाइबर पर बच्चों, एंड नर्व इंपल्स आई। अब आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है बच्चों कि सोमेटिक मोटर न्यूरॉन के एंडिंग के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, टीलोडेंड्रिया वाले पार्ट में सिनेप्टिक वेसिकल। और हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का, तो हम एक एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, दैट इज एसिटाइलकोलाइन बच्चों। अब क्या होगा, नर्व इंपल्स आएगी, और नर्व इंपल्स जैसे ही आएगी तो आप जानते हैं बच्चों क्या काम होता है, इसके टीलोडेंड्रिया वाले एंड पर मिलते हैं हमें कैल्शियम वीजीसी। आपने पढ़ा हुआ है कैल्शियम वीजीसी, ये कैल्शियम वीजीसी ओपन होने से हो जाएंगे, कैल्शियम आएंगे ईसीएफ से अंदर की तरफ। ये कैल्शियम नहीं है बच्चों इसके लिए, इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रोपोनिन सी पर अटैच करवाने के लिए कैल्शियम आएगा, तो कहां से आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा। हम तो अभी इन सिनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करने वाले हैं बच्चों, तो नर्व इंपल्स जब एंड पार्ट पे पहुंचती है तो वहां पर मिलते हैं कैल्शियम वीजीसी, कैल्शियम ईसीएफ से अंदर की तरफ आते हैं, और ये इन सिनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करते हैं ब्रस्ट आउट करने के लिए। और ये क्या करते हैं बच्चों, यहां पर बीच के अंदर क्या करना शुरू करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना शुरू करते हैं। अब आपने वर्ड सुना है सिनेप्स, सिनेप्स के अंदर क्या चीजें होती है बच्चों, एक तो होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक होता है बच्चों पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच की तरफ होता है सिनेप्टिक लेफ्ट। यहां पर हम बात करते हैं कि न्यूरॉन और मसल के बीच में यहां पर क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है बच्चों, और इसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बच्चों। हालांकि यहां पर ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, मसल की ये जो मेम्ब्रेन जहां पर जाकर ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइलकोलाइन अटैच होगा, ये पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, और बीच वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया सिनेप्टिक लेफ्ट। लेकिन जो बच्चों जंक्शन बना ना, इस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बच्चों, जिसे आपकी एनसीईआरटी मोटर एंड प्लेट भी कहती है, मोटर एंड प्लेट भी कहती है। अब अगर बात करें बच्चों एक वर्ड आता है मोटर यूनिट, तो मोटर यूनिट क्या होता है बच्चों, ये मोटर न्यूरॉन जो आया था, ये कंप्लीट मोटर न्यूरॉन और ये जिस मसल पे काम कर रहा है, ये पूरी मसल, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मोटर यूनिट। तो बट मोटर यूनिट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड मोटर एंड प्लेट आपको याद रखना है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट, ये तो एक ही बात होगी। जैसे कि आप स्नैप्स में पढ़ते हैं दो न्यूरॉन के बीच में जहां पर हमें जंक्शन दिखाई देता है स्नैप्स बोलते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन बन रहा है इसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसका नाम भी है मोटर एंड प्लेट बच्चों। एंड आपको याद रखना है मोटर यूनिट किसे बोलते हैं, तो पूरा हमारा मोटर न्यूरॉन एंड ये पूरी मसल फाइबर जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोटर यूनिट बोलते हैं। अब आप देखिए इसके बाद क्या होता है, यहां पर हमें मिलेंगे एससीएस रिसेप्टर, एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर। और जैसे ही आपने बात करते हैं एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर की, तो हम बात करते हैं एनए प्लस एलजीसी की। एनए प्लस एलजीसी से एनए प्लस अंदर तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, और ये एनए प्लस अगर अंदर तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो हम जानते हैं कंडीशन कैसी होगी बच्चों, डीपोलराइज कंडीशन होगी, डीपोल कंडीशन चली गई है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल वाली बात हम कर रहे हैं यहां पर, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया है। अब ये एक्शन पोटेंशियल आपके पूरे मसल फाइबर के अंदर सर्कुलेट हो, ये एंसर करते हुए दिखाई देगी हमें टी ट्यूब्स। आप जानते हो सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन क्या होता है बच्चों, ये टी ट्यूब्स कहलाती है, एंड आपका एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के कारण से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, इन कैल्शियम को बाहर रिलीज करना शुरू कर देती है, और कैल्शियम को बाहर रिलीज करना शुरू करेगी किन चैनल से, उन्हें बोलते हैं बच्चों एल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एल ट्यूब्स। अब अगर ये तो बात थी मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, कैल्शियम को रिलीज करवाने के लिए, अब अगर मसल को रिलैक्स करवाना है तो क्या होगा बच्चों, तो यहां पर नर्व इंपल्स आनी बंद हो जाएगी, और नर्व इंपल्स आनी बंद हो जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, एल ट्यूब्स बंद हो जाएगी, और एल ट्यूब्स बंद हो जाएगी तो जो कैल्शियम पड़ा होगा सार्कोप्लाज्म में उसको वापस खींचने के लिए यहां पर लगे होते हैं कैल्शियम पंप, जो कि क्या करते रहते हैं एक्टिवली कैल्शियम को पुल करते रहते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास मसल के लिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और हमारे मोटर एंड प्लेट की हम बात कर रहे हैं, तो यही हमने बात करी मोटर यूनिट की। आपको एक बात याद रखनी है कि कैल्शियम जो है वो हमने अवेलेबल करवा दिया है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जहां पर हमें ट्रोपोनिन सी पर अटैच करवाना है, एंड देन फिर मास्किंग क्या होगी, रिमूव होगी, और मायोसिन का हेड जो है वो किससे जुड़ पाएगा बच्चों, इस एक्टिन फिलामेंट से जुड़ पाएगा। अगर बात करें बच्चों एक जेएफ देखें आप, तो ये तो आपके सामने है न्यूरॉन, न्यूरॉन की एंडिंग, ये मसल फाइबर है बच्चों, आपकी स्केलेटल मसल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नर्व इंपल्स आई बच्चों, और यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना है, ये अपने पास मायोफाइब्रिल वाला पार्ट। यहां पर आप देखें बच्चों, फोकस कीजिए, ये आपका मायोसिन, मायोसिन के अंदर हमने बात की थी बहुत सारे मीरोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं, ये मीरोमायोसिन जो कि रेगुलर इंटरवल पर आउटवर्ड ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं बच्चों। अब ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपके एक्टिन फिलामेंट से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखो बच्चों जैसे मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तो हमारा टारगेट ये होता है कि हमारे एक्टिन फिलामेंट को क्या करवाना बच्चों, ये पुल करवाना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड बच्चों। अब अगर ये एक्टिन फिलामेंट अगर मूव करते हुए दिखाई देंगे, तो जेड लाइन, आप याद है बच्चों जो जेड लाइन थी जिसके साथ एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए थे, वो भी तो क्या करेगी, मूवमेंट करते हुए दिखाई देगी बच्चों। तो हमारा टारगेट ये होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तो जो मायोसिन के जो हेड होते हैं, जो अगर स्पेसिफिकली बात करूं बच्चों मीरोमायोसिन के जो हेड होते हैं, इनको इस एक्टिन फिलामेंट से जुड़वाना,
एंड देन फिर पुल करवाना बच्चों टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ हमारा ए बैंड बच्चों, ये कहलाता है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। अब इसको हमें रीड करना है बच्चों, जब ये इससे जाकर अटैच होता है ना इसे, इसे बोलते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, एंड देन वापस जब अलग होता है बच्चों इसे बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज बच्चों। एंड जब ये इसको यहां पर मूवमेंट करवाते हैं यहां पर इसे बोलते हैं बच्चों रोटेशन करवाना, स्लाइडिंग करवाना। किस पर स्लाइडिंग हो रही है? थिक फिलामेंट स्लाइड हो रही है, और किसकी स्लाइड होती हुई दिखाई देगी हमें? थिन फिलामेंट की। आइए तो आपके एनसीईआरटी में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कि आपका जो हेड वाला पार्ट है इसको मूवमेंट करवाना है, इसमें इसको एक्टिन फिलामेंट से जुड़वाना है, तो सबसे पहले तो हमें ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम को भेजना है। जैसे ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चों, वो कैल्शियम इनिशिएट करेगा मैकेनिज्म को, ताकि ट्रोपोनिन आई यूनिट जो मास्किंग करके रखी हुई थी मायोसिन के हेड के लिए ताकि वो एक्टिन बना जुड़ पाए उसको रिमूव कर सके। अब अपना कैल्शियम आ चुका था, अब कैल्शियम आने के बाद हमें नेक्स्ट रिक्वायर्ड होती है बच्चों एटीपी की। जैसे ही एटीपी आके जुड़ता है आप जानते हैं मायोसिन के हेड पर एटीपी अटैचमेंट साइट थी, साथ ही साथ वहां पर एटीपी एंजाइम था बच्चों। एमजी प्लस टू की प्रेजेंस के अंदर हम देखते हैं वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता हुआ दिखाई देता है, एंड एटीपी टूटता है एडीपी प्लस पीआई के अंदर बच्चों। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों क्या होता है, ये मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट से जाकर जुड़ जाता है बच्चों। जैसे ही जुड़ता है बच्चों इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, क्या बोलते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज जुड़ गया बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों एडीपी और पीआई जो है ये रिमूव होते हुए दिखाई देते हैं। रिमूवल ऑफ एडीपी एंड पीआई ये क्या करवाता है बच्चों, स्लाइडिंग करवाता हुआ दिखाई देता है क्योंकि थिन फिलामेंट की किसके ऊपर बच्चों, थिक फिलामेंट पर, और इसे बोलते हैं रोटेशन करवाना या स्लाइड करवाना बच्चों। रोटेशन स्लाइड करवा दिया, लेकिन अभी देखो जुड़ा हुआ है बच्चों इस जुड़े हुए को, यानी कि जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ था इसको ब्रेक करवाने के लिए, डिटैचमेंट करवाने के लिए बच्चों हमें चाहिए होता है एक न्यू एटीपी, न्यू एटीपी। और जैसे ही न्यू एटीपी आएगा वो क्या करवा देगा, डिटैचमेंट करवा देगा और ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हमें बोलते हैं। और ये जो न्यू एटीपी आया था इसका फिर से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, अगर हमें कंटीन्यूअसली मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है बच्चों, फिर से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर क्या बनेगा एटीपी एंड पीआई बनेगा। फिर से हम देखेंगे कि एनर्जी का यूज करते हुए यहां पर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा, एंड एटीपी और पीआई का रिमूवल होगा, और जैसे एटीपी और पीआई का रिमूवल होगा स्लाइडिंग होते हुए देखेंगे, लेकिन ये जुड़ा रहेगा हेड, इस जुड़े हुए हेड को ब्रेक करवाने के लिए फिर से क्या चाहिए, एक एटीपी चाहिए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक मसल कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल के लिए, यानी कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी करवाना है एंड रिलैक्सेशन भी करवाना है, तो इसके लिए कितने एटीपी रिक्वायर्ड है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 2। अगर देखा जाए बच्चों पूरी मसल के रेस्पेक्ट में बहुत सारे मायोसिन के हेड, बहुत सारे मायोसिन के हेड, बहुत सारे एटीपी चाहिए होंगे, हम उस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम एटीपी अगर इस क्वेश्चन पर फोकस करूं तो हम सिर्फ 1 मिनट पर बात कर रहे हैं बच्चों। तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो अगर एक पूरे साइकिल के लिए जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी हो एंड वापस रिलैक्सेशन भी हो जाए बच्चों, यानी कि हम बात कर रहे हैं मूवमेंट भी करवाना, स्लाइडिंग करवाना एंड देन डिटैचमेंट भी करवाना, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज भी करवाना, तो 2 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों। लेकिन अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन ही करवाना है सिर्फ, यानी कि हम रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहे, तो हमारा 1 एटीपी इसलिए रिस्पांसिबल होगा जो कि मसल में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, लेकिन दूसरा एटीपी रिक्वायर्ड इसलिए होता है रिलैक्सेशन करवाने के लिए बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन बने तो आप याद रखिएगा। तो ये आपके सामने साइकिल है स्लाइडिंग फिलामेंट का, एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों। जैसे कि बात करें बच्चों ये है हमारा थिन फिलामेंट और ये हमारे मायोसिन हेड, मायोसिन हेड की बात करूं तो जैसे ही एटीपी आके जुड़ता है तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस में जाता है, यानी आप जानते हैं एटीपी एंजाइम की एक्टिविटी होती है एटीपी और पीआई ये बनेंगे और एनर्जी का यूज करते हुए क्या करेगा, जुड़ेगा, इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब क्या होगा, रिमूवल ऑफ एटीपी एंड पीआई, और जैसे रिमूवल होगा वैसे ये क्या करवाएगा, इसको रोटेट करवाएगा, स्लाइड करवाएगा बच्चों। लेकिन आप देखिए जुड़ा हुआ है अभी हेड वाला पार्ट, इस हेड वाले पार्ट को अलग करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नया एटीपी चाहिए। जैसे ही नया एटीपी आएगा वैसे क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो जाएगा बच्चों, और ये अपने जगह पे चले जाएंगे, रिलैक्सेशन चले जाएंगे बच्चों। तो ये हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बच्चों, तो आपको याद रखना है आपके एनसीईआरटी दिया हुआ है तो आपको रीडिंग देनी है बच्चों। अब अपनी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से क्या क्या रिजल्ट आते हैं बच्चों, इसको भी फोकस करना है। अब देखिए बच्चों फिर से स्टडी करते हैं बच्चों, यहां पर हमारे पास ये जेड लाइन, ये हमारा जेड लाइन और दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, सारकोमिया। इसी तरह यहां पर भी तो है हमारे पास ये जेड लाइन और ये जेड लाइन और दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, सारकोमिया बच्चों। आप एक बार बताओ ये वाला बैंड कौन सा बैंड है हमारे पास, ये आई बैंड का हाफ पार्ट है बच्चों, ये हाफ आई बैंड बच्चों, हाफ आई बैंड। और ये बच्चों क्या है हमारे पास, एक ए बैंड पूरा पूरा, ये हमारे पास एक ए बैंड। इसी तरह बच्चों फिर से क्या हमारे पास, हाफ आई बैंड बच्चों, फिर से हमारे पास हाफ आई बैंड। अगर हम नेक्स्ट सारकोमिया की बात करें बच्चों तो हमारे पास नेक्स्ट हाफ आई बैंड, यानी दोनों हाफ आई बैंड लग गया हो गया बच्चों, आई बैंड। फिर से हमारे पास क्या है बच्चों, एक ए बैंड बच्चों, फिर से हमारे पास हाफ आई बैंड, फिर से सो हम आगे कंटिन्यू बात करते चले जाए बच्चों। अगर बात करें फोकस करने वाली बात ये भी है एच जोन की, एच जोन कौन सा पार्ट होता है, सेंटर ऑफ ए बैंड वेयर थिक फिलामेंट इज नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट, ये कौन सा होता है बच्चों, एच जोन होता है बच्चों। अब ये तो रिलैक्स स्टेज है बच्चों, अब जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, आप जानते हैं मीरोमाइसिन हेड जुड़े होंगे, इधर मीरोमाइसिन हेड जुड़े होंगे, ऐसे मीरोमाइसिन हेड जुड़े होंगे, और ये क्या करते हैं एक्टिन फिलामेंट को पुल करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड बच्चों। अगर हम एक मिनट की बात करें, एक मिनट फोकस करें बच्चों, तो आप चीज देखिए बच्चों थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करते दिखाई देंगे, थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करते दिखाई देंगे, थिक फिलामेंट जगह पर है, थिक फिलामेंट पॉलीमर फॉर्म है बच्चों, मूवमेंट कौन करता था आप याद करें, तो सिर्फ हेड वाला पार्ट मूवमेंट करता था, तो ये तो जगह पर है बच्चों। अब क्या होगा, जैसे हम देखते हैं थिन फिलामेंट को खींचा जाएगा, थिन फिलामेंट को खींचा जाएगा, तो फिर जेड लाइन जो है जेड डिस्क होगी, पुल होगी किसके तरफ, सेंटर ऑफ ए बैंड बच्चों। अब जेड लाइन अगर खींचे की बात तो क्या होगा, ये जो आई बैंड था ये क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा बच्चों, आई बैंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। साथ ही साथ आप जानते हैं ये जो एच जोन बना था उसमें बोले थे कि थिक फिलामेंट जहां पर ओवरलैप नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन वैसे क्या हो जाएगा, ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा, यानी एच जोन धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन एच जोन क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअपीयर हो जाएगा बच्चों। तो ये रिलैक्स स्टेज थी, आइए इसे कंपेयर करते हैं बच्चों हम कॉन्ट्रैक्शन स्टेज के साथ। तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज से अगर बात करें तो देखिए आप रिजल्ट लिख रहे हैं, आई बैंड कितना था हमारे पास, ये कितना हो गया, कम हो गया, हम उसके रेफरेंस बात कर सकते हैं बच्चों, हाफ आई बैंड के रेफरेंस में हमारा आई बैंड क्या हो गया, कम हो गया, साथ ही साथ देखिए हमारा एच जोन ये क्या हो गया, कम हो गया बच्चों। लेकिन आप जो इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करेंगे वो देखें ए बैंड जो है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो ए बैंड आप जानते हैं ए बैंड क्या होता है, जहां से ओवरलैप होना स्टार्ट होता है, हमारा थिक फिलामेंट मूवमेंट कर ही रहा था, मूवमेंट कौन करता है बच्चों, हेड वाला पार्ट मूवमेंट करता है, आपका थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करते हुए दिखाई देते हैं, आपका ए बैंड क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, आपका एच जोन डिक्रीज होता है, आपका आई बैंड क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, इसलिए मैंने लॉइन भी ड्रॉ किया है बच्चों, ए बैंड के लिए ए बैंड क्या रहा, कांस्टेंट रहा। आप यहां पर कंपेयर करें बच्चों इस आई बैंड के साथ, कंप्लीट आई बैंड लिया मैंने बच्चों, यानी दो साथ में बात कर लिए, तो अगर देखो मैं यहां पर आई बैंड मार्क दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप एच जोन देखें बच्चों, एच जोन क्या होता है, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही हमारा मायोसिन फिलामेंट पर जो ये हेड वाला पार्ट ये रोटेट करता है, तो थिन फिलामेंट को क्या करते हैं, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड, ये पुल किया जाता है, और इसका जुड़े हुए हमारे जेड लाइन जो है वो क्या करती है बच्चों, पुल की हो जाती है, जिसके कारण से हमारा आई बैंड क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अब इसके साथ जो इंपॉर्टेंट हमारे जो है कंक्लूजन बच्चों, वो याद रखना है एच जोन क्या होता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये डिसअपीयर हो जाता है ड्यूरिंग मेक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। अगर बात करें लेंथ ऑफ सारकोमियर, तो सारकोमियर की लेंथ ये क्या हो गया बच्चों, ये थी क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गई, तो सारकोमियर की लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। लेंथ ऑफ आई बैंड ये क्या हो जाती है, डिक्रीज, लेकिन इंपॉर्टेंट है द लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेंस अनचेंज, यानी ये कह रही है कांस्टेंट रहती है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना भी है। इसके बाद बात करें बच्चों आपकी थ्योरी के साथ लेते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन, हम बात करेंगे सोमैटिक मोटर न्यूरॉन की, क्योंकि हम बात करेंगे वॉलंटरी मसल्स की यहां पर, अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। अब देखिए बच्चों मोटर यूनिट से बोल रहे हैं, अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट, जैसे कि एग्जांपल है ये तो है मोटर न्यूरॉन बच्चों और ये है मसल फाइबर बच्चों, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे इस यूनिट को, तो इसे बोलेंगे हम मोटर यूनिट, ये है बच्चों मोटर यूनिट हमारी।
मोटर एंड, जबकि हमारा जो जंक्शन होता है जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करते हैं या फिर मोटर एंड पेट बोलते हैं बच्चों, ये है हमारे पास यहां पर जंक्शन मिल रहा है, यानी कि जिसकी एंडिंग होती है न्यूरॉन की, किसके साथ मिलता दिखाई दे, किसके साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है, तो हमारे मसल फाइबर के साथ वो जंक्शन मिलता है बच्चों, हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या जिसे बोलते हैं मोटर एंड प्लेट की बच्चों। तो देखिए बच्चों, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा, बच्चों इंपॉर्टेंट है सार्कोलेमा, मैंने मसल फाइबर की बात नहीं करी, द मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या जिसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट भी। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन की हमने बात की थी, विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। This spread through the muscle fiber and causes the release of calcium ion into the sarcoplasm. Sarcoplasm reticulum संकेत की बातें बच्चों, कैल्शियम बाहर निकलवाते हैं, increase in calcium level leads to the binding of calcium with the subunit of troponin. Troponin C unit की बात कर रहे बच्चों, और actin filament and thereby remove the masking of active site for myosin. हमारी masking को remove करने के लिए हमें क्या चाहिए था बच्चों, calcium चाहिए था. Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active site on actin to form a cross bridge. This pulls the attached actin filament towards the center of A band. The Z line attached to this actin are also pulled inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere. कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ दिखाई देता है सार्कोमियर के अंदर, उसकी लेंथ हमें शॉर्ट होकर दिखाई देगी. During shortening of the muscle contraction, the I band get reduced, whereas the A band retain the length. A band क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है. The myosin releasing the ATP and PI goes back to its relaxed state. A new ATP bind and the cross bridge is broken. मैंने बात की थी बच्चों कि एक new ATP required होगा वापस से उन cross bridge को जो form हुआ था उसको break down करवाने के लिए. The ATP is again hydrolyzed by the myosin. अभी जो new ATP आया था ये वापस क्या होता दिखाई देता है, वापस से hydrolyzed होता दिखाई देगा by the myosin head, and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated causing further sliding. वापस क्या दिखाई देगी, sliding होते हुए दिखाई देगी. The process continues till the calcium ion pump becomes solid, resulting in the muscle of the ligament. अगर हम बात करें कि calcium ion pump becomes solid, resulting in the muscle of the ligament. एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद हम देखते हैं ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन के कारण से फिर मसल में फैटीनेस आने शुरू हो जाएगी, यानी मसल की टायर्डनेस की सिचुएशन आनी शुरू हो जाएगी बच्चों. तो आप क्या देखना बच्चों कि मसल फैटीनेस किसके कारण से आती है, तो लैक्टिक एसिड के कारण से आती है. रोल ऑफ एटीपी बच्चों, आपके स्टडी में गिवन है, रोल ऑफ एटीपी क्या होगा, द बैक एंड फोर्थ मोमेंट ऑफ मायोसिन हेड विद इन द ग्रुप. आप जानते हैं एटीपी हाइड्रोलाइसिस जो है बच्चों रिक्वायर्ता है ताकि हेड का मोमेंट यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज एंड स्लाइडिंग होते हुए दिखाई दे, साथ ही साथ डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन बच्चों. तो ये आपके एटीपी रोल है. आपके एनसीडी में कैसा डायग्राम रखा है, आइए इसे अपने कंपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं बच्चों. देखिए बच्चों, रिलैक्स स्टेज है बच्चों, यहां पर जेड लाइन है हमारे पास. आप जानते हैं जेड लाइन जुड़े हुए फिलामेंट होंगे बच्चों, थिन फिलामेंट दिखा रखे हैं उन्होंने, थिन फिलामेंट जानते हैं कौन से फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट. ये जेड लाइन, फिर से जेड लाइन हमारे पास, जेड लाइन जुड़े थिन फिलामेंट कौन से बच्चों, एक्टिन फिलामेंट हमारे पास. अब बात करते हैं बच्चों एच जोन रखा है हमारे पास, ए बैंड मेंशन कर रखा है बच्चों, लेकिन एम लाइन मेंशन नहीं कर रखी है आपके एनसीडी में. चलो हम मेंशन करते हैं बच्चों, ए बैंड के बीच में हम जानते हैं क्या होती है, एम लाइन. ये ए बैंड के बीच में हमारे पास क्या है, ये एम लाइन. भाई जेड लाइन जुड़े तो थिन फिलामेंट, तो हम एम लाइन तो चाहिए बच्चों, और एम लाइन जुड़े होते हैं बच्चों थिक फिलामेंट. ये है हमारे पास थिक फिलामेंट जो कि कौन से हैं, मायोसिन. ये एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन फिलामेंट हमारे पास. अब आप देखें एम लाइन जुड़े हुए हमारे पास दिखाई देंगे मोटर फिलामेंट, एंड जहां पर हम देखते हैं कि मायोसिन फिलामेंट थिन फिलामेंट्स ओवरलैप नहीं है, वो जोन यानी सेंटर ऑफ ए बैंड, वहां जहां पर हमारा मायोसिन फिलामेंट थिन फिलामेंट से कवर नहीं है, वो जोन कौन सा कहलाता है बच्चों, एच जोन कहलाता है बच्चों. अब कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में बच्चों क्या कर रहा है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहा है, आप देखें स्लाइडिंग होते दिखाई दे रहा है, आपके आई बैंड जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है, एच जोन जो है वो क्या होता दिखाई दे रहा है बच्चों, कम होता दिखाई दे रहा है. एंड ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट बच्चों आप देखें बच्चों, आपका आई बैंड जो है वो आपका एकदम डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है, डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है, एंड एच जोन जो है वो क्या हो चुका है बच्चों, डिसअपीयर हो चुका है बच्चों. तो जो आपने पढ़ा था इसको हमने आपके आंसर से क्या कर लिया, जो कंक्लूड लिया है, तो अभी रिंग डिनाइज की ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जिस पर हमें फोकस रखना है, जहां पर क्वेश्चन बनते दिखाई देते हैं वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एच जोन क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज हो जाती है, लेंथ ऑफ आई बैंड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेंथ ऑफ ए बैंड कांस्टेंट रहती है बच्चों. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से यहां लिखा है मैंने, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन और मायोसिन लेंथ में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों, हम तो जानते हैं कि मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं, रेदर एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, एंड हेंस लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है. अब बच्चों स्केलेटल मसल के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रेड मसल फाइबर और एक होता है बच्चों व्हाइट मसल फाइबर. दोनों ही स्केलेटल मसल टाइप है बच्चों, यानी कि फैटीनेस तो आती हुई दिखाई देगी, लेकिन कंपैरेटिवली हम बात करेंगे रेड मसल जो होते हैं उनके अंदर फैटीनेस बहुत लेट आती है, जबकि व्हाइट मसल के अंदर फैटीनेस यानी टाइडनेस बहुत जल्दी आ जाती है. अब इन्हें क्यों बोला है रेड मसल, इन्हें क्यों बोला व्हाइट मसल, इसका रीजन सुनिए बच्चों. यहां पर हम देखेंगे बच्चों मायोग्लोबिन कंटेंट जो है बच्चों वो ज्यादा होता है, हम जानते हैं बच्चों मसल का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो मायोग्लोबिन होता है, वो ज्यादा होता है, और इसी कारण से क्या दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है, यहां पर बहुत कम होता है मायोग्लोबिन कंटेंट, इज वेरी लेस, सो इट्स पेल और व्हाइटिश इन कलर बच्चों, इसलिए बोलते हैं व्हाइट कलर की मसल. आपने देखा होगा रेड लिखा मैंने स्लो मसल, जबकि व्हाइट लिखा मैंने फास्ट मसल. अब इसका रीजन हम समझेंगे, सुनिए बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस एक्सपेंसिव, जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है यहां पर मोर एक्सपेंसिव होती है बच्चों. मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जानते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर था कैल्शियम, जो कि टोनिसिटी जुड़ना चाहिए था. यहां पर हम देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट होते हुए दिखाई देते हैं, और उसके लिए हमारे पास यहां पर देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस भी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होने का, कि बहुत ज्यादा जो है वो कैल्शियम रिलीज किए जाएंगे. यहां पर हम देखेंगे भी जहां पर लोकेटेड होती है ना रेड मसल, वहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन फास्ट करवाने की जरूरत भी नहीं होती, और वहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है लेस एक्सटेंसिव होती है, कैसे आता है लेकिन स्लो स्लो रिलीज होता रहता है सार्कोप्लाज्म के अंदर. ब्लड वेसल्स होती है वो यहां पर मोर एक्सटेंसिव दिखाई देती है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है यहां पर ज्यादा दिखाई देता है बच्चों. मैं तो कैसे बताऊं कि यहां पर अगर माइग्लोबिन ज्यादा है तो माइग्लोबिन ज्यादा क्या लगता होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और उस ऑक्सीजन को यूज करने वाले कैसे चलते होंगे, किस चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोक्रोन्ड्रिया होगा ज्यादा होगा, एंड माइग्लोबिन ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, तो फिर हम जानते हैं ब्लड वेसल्स जो क्या लिखाएंगे, ऑक्सीजन लिखाएंगे, वो क्या दिखाई देंगे, एक्सटेंसिव दिखाई देंगे, तो याद रखना है ब्लड वेसल यहां पर दिखाई देती है लेस एक्सटेंसिव दिखाई देती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं लेस नंबर होते हैं. यहां पर अगर बात करें रेड मसल, डिपेंड्स ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन, कैन आल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल बच्चों. यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है बच्चों, एरोबिक यहां पर रेस्पिरेशन होता दिखाई देगा, जब यहां पर बात करें बच्चों ये एनएरोबिक प्रोसेस पर मेनली डिपेंडेंट होती है बच्चों. रेस्पॉन्स इज स्लो विद लॉन्ग लेटेंट पीरियड, लेटेंट पीरियड मतलब ये होता है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, फिर सुनिएगा बच्चों, इसके बीच का हमारे पास ड्यूरेशन एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि हमने किसी मसल पर स्टिमुलस अप्लाई किया एंड देन फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करें, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ड्यूरेशन होता है उसे बोलते हैं लेटेंट पीरियड. रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स इज स्लो विद लॉन्ग लेटेंट पीरियड, यहां पर बात करें रेस्पॉन्स इज रैपिड विद शॉर्ट लेटेंट पीरियड. यहां पर देखेंगे बच्चों मसल में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्विकली होते दिखाई देंगे इसके कंपैरिजन के अंदर. दिस मसल इज इन्वॉल्वड इन प्रोलॉन्ग एंड कंटिन्यूड एक्टिविटी एज इट अंडरगोस सस्टेंड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि दिस मसल इज नॉट इन्वॉल्वड इन प्रोलॉन्ग एंड कंटिन्यूड एक्टिविटी एज इट रिलैक्स इमीडिएटली बच्चों. लंबे समय तक एक्टिविटी चलते हुए दिखाई देंगी इस तरह की मसल्स में. अगर एग्जांपल से आप समझाऊं तो हमारी जो बैक बोन मसल्स होती है बच्चों, जो बैक की मसल्स होती है ना वो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है. हम जानते हैं इसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों, लेकिन यहां पर रेड मसल्स प्रेजेंट होती है. आप जानते हैं एक लंबे समय तक अगर आप खड़े रहे तो भी आपकी थकान आपको नहीं आती, हां ठीक है एक ड्यूरेशन के बाद आपको टायर्डनेस आएगी, मसल फिटनेस आएगी, स्केलेटल मसल का आप जानते हैं कि फिटनेस पानी है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है इसने आपको सपोर्ट कर दिया बच्चों. जैसे हम अपने लिम्स की बात करते हैं बच्चों, आपको अगर वॉलंटरी को लिखना चाहते हैं तो जानते हैं वहां पर थोड़ी देर बाद ही आपको टायर्डनेस आते हुए दिखाई देगी बच्चों, तो वहां पर प्रेजेंट होती है व्हाइट मसल, जबकि यहां पर हमारे पास बैक मसल्स कौन सी है, हमारे पास रेड मसल्स बच्चों. फैटिक अगर स्लोली, जबकि यहां पर फैटीनेस जो है वो क्या जाती है बच्चों, जल्दी आती हुई दिखाई जाती है, जबकि यहां पर प्रेजेंट होता है व्हाइट मसल्स बच्चों.
Gracias.